टू माय यूट्यूब चैनल वी के कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आप एमएस वर्ड में आई कार्ड कैसे बना सकते हो। बहुत ही आसान है, बस कोई हार्ड नहीं है, यानी कि एमएस वर्ड में ये डिजाइनिंग का काम आप बहुत आसानी से एमएस वर्ड में आई कार्ड डिजाइन कर सकते हो। इस तरीका का आई कार्ड आपको किस तरीका से बनाना है, उसके लिए क्या करना है, आपको मैंने आज के न्यू फाइल लिया कीबोर्ड से Ctrl+N और याद के आपको इंसर्ट में टेबल पे जाना है। इसमें क्या करना है आपको 1 2 3 4 फोर आपको यानी कि फोर या थ्री आपको ये लेना है कॉलम, और याद के से आपको 5 6 याद के से रो ले लेना है। रो लेने के बाद आपको इसको यहाँ से पॉइंट पे से क्लिक करके इसको आपको छोटा कर लेना है। इस पॉइंट पे से क्लिक करके इसको आपको सेंटर में सिलेक्ट कर लेना है। इसको आपको क्या करना है, याद के आपको लेआउट पर जाना है, यहाँ से इरेजर का ऑप्शन आएगा, इस लाइनों को आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग करना है, सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे। आज के आपको कंपनी का नाम डाल देना है, एंटर करना है, आज के आपको कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डाल देना है। वेबसाइट इतना करने के बाद दोस्तों हमें इस वाली हेडिंग को सिलेक्ट करके इनका थोड़ा यहाँ से साइज आप कम कर दोगे जो एक लाइन में आपका शो करे। इस वाली हेडिंग को आपको सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है, याद कैसे आपको इसको स्टाइल चेंज कर देना है आपको एरियल। इतना करने के बाद दोस्तों आपको याद के आपको आईडी नंबर देना है, आईडी नंबर या रोल नंबर लिख सकते हो, स्टूडेंट के लिए इसमें रोल नंबर होगा या आई कार्ड नंबर हो सकता है। इसमें नेम आ जाएगा स्टूडेंट का, फादर नेम होगा स्टूडेंट का, एड्रेस। इसमें क्या करेंगे, इस वाली लाइनिंग को थोड़ा इधर ड्रैग कर लेना है आपको, इस वाली लाइनिंग को यहाँ से थोड़ा इधर ड्रैग कर लेना है। इसमें क्या करना है, हमें लास्ट कॉलम में करके आज के लेआउट पे जाना और यहाँ से इंसर्ट एबोव दो टेबल और इंसर्ट कर लेना है। एड्रेस के बाद आपको कॉन्टैक्ट स्टूडेंट का लिखना है, उसके बाद इरेजर का यूज करना है आपको, इस वाली लाइनिंग को आपको इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद इसमें आपको कंपनी का एड्रेस डालना है, या स्कूल का आई कार्ड बना रहे हो तो स्कूल का एड्रेस डालना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, इसका थोड़ा सा साइज हमें सिलेक्ट करके होम टैब पे जाएंगे, साइज थोड़ा इसका कम कर देंगे, यहाँ से डिस्क्रीस बोल्ड करेंगे, इसको कीबोर्ड से अलाइनमेंट सेंटर करेंगे। रेड लाइन जो आती है इसको कैसे हटाना, माउस से इस पर राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको इग्नोर कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे होम टैब में आपका सेंडिंग कलर का ऑप्शन आएगा, इसमें कोई भी एक कलर आप याद कैसे फिल कर दोगे। कलर फिल करने के बाद आपको ये यहाँ से सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट कलर आपको यहाँ से वाइट कर देना है। इसी फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट करके आपको फॉर्मेट पेंटर के द्वारा आपको इस वाली हेडिंग में फिल कर देना है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से कलर कर देना है, टेक्स्ट कलर सिलेक्ट करो, यहाँ से आपको कलर वाइट कर देंगे। कलर वाइट करने के बाद इसमें हमें डिटेल फिल करनी है, जैसे कि हमने कार्ड नंबर फिल कर दिया, स्टूडेंट का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, रेड लाइन हटा लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इग्नोर कर देंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने के बाद हमें आज के लेआउट टैब में जाना है, इरेजर का यूज करना है, इन चार लाइनों को आपको इरेज कर देना है फ़ोटो के लिए। फ़ोटो लगाने के बाद आपको क्या करना है,
इरेजर को हटाओ, फ़ोटो कैसे लगाएंगे। फ़ोटो लगाने से पहले हमें कुछ नहीं करना है, इनको थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया, होम पे जाएंगे, आज के आपको टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल का नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा यहाँ से सिलेक्ट किया, साइज 1-2 पॉइंट इसका कम कर देना है। साइज कम करने के बाद क्या करना है, हमें इसमें पूरे को इसको सिलेक्ट करना है और याच के हमें बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको नो बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद याच के आपको फ़ोटो वाले सेल पे क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर, और याच के आपको जो भी आपके कंप्यूटर में स्टूडेंट की फ़ोटो रखे हो उसको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के बाद पिक्चर कुछ इस तरीका से शो होगी, आप पॉइंट पे क्लिक करके पिक्चर को छोटा भी कर सकते हो। पिक्चर को छोटा करने के बाद अब क्या करना है, हमें पिक्चर को बॉर्डर में ऐड करना है, तो बॉर्डर पे करने के लिए पिक्चर पे क्लिक करना, फॉर्मेट टैब ऑप्शन आएगा, पिक्चर बॉर्डर पे जाके यहाँ से आप पिक्चर को बॉर्डर भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आज के चाहो तो हमें कोई हेडिंग रह गई है तो उसको इसमें ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आज के कुछ भी टाइप करना हो या मान लो हमें सिग्नेचर देना है स्टूडेंट के, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाना है आपको, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, या मान लो बाहर क्लिक कर दिया मैंने, याच के इंसर्ट सिग्नेचर पे जाना है, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप करके याच के स्टूडेंट का नाम लिख देंगे और याच के ऐसे ओके कर देंगे, तो ये सिग्नेचर लाइन आपकी याच के आ जाएगी। इसको क्या करना है, क्लिक करके फॉर्मेट पे जाना है और रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद क्या करना है, इसको आपको साइज छोटा कर लेना है, साइज छोटा करके ये लाइनिंग आपको याच के लगा देना है। इस तरीका से दोस्तों सिग्नेचर लाइन आप इसमें ऐड कर दोगे, आज के स्टूडेंट सिग्नेचर कर सकता है अपने। इस तरीका से आप आसानी से एमएस वर्ड में यानी कि टेबल की हेल्प से भी आप कोई भी आई कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छा आई कार्ड बनाना बताऊंगा। अगर मान लो इस आई कार्ड में हमें इसमें कोई लोगो भी लगाना होता है तो वो पिक्चर की तरह आप इंसर्ट में यहाँ पे कोई लोगो भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ इसी में यहीं पे एक लोगो इंसर्ट करना है तो वो कैसे ऐड करेंगे, वाटर मार्क के थ्रू। तो इसमें क्या करना है, इंसर्ट पर जाना है, पिक्चर पर जाना है आपको, यहाँ से लोगो चेक कर लेते हैं हम। ये लोगो मैंने यहाँ से इंसर्ट कर लिया, इसको क्या कर लेना है, यहाँ से साइज छोटा कर लेंगे इसको फॉर्मेट में। ऑप्शन आता है रैप टेक्स, यहाँ से आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स कर लेना है और यहाँ से आपको इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद दोस्तों इसको आप जहाँ पे भी चाहो वहाँ पे सेट कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा और छोटा किया और इसको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। रिमूव बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है या इसको आपको कैंसिल कर देना है। ये आपका लोगो इसमें लग चुका है। इस तरीका से दोस्तों आप आसानी से आई कार्ड तैयार कर सकते हो। अगर इस आई कार्ड को हमें क्या करना है कि पीडीएफ में कन्वर्ट करना है या इमेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इमेज, अब ये एमएस वर्ड में फाइल है, इसको हमें इमेज कन्वर्ट करना चाहते हैं, इमेज में मान लो हम इसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और उसमें एक टूल का नाम होता है स्क्रीन शॉट करने के लिए, स्निपिंग टूल, SN लिखोगे तो ये वाला आपका टूल आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से न्यू पे क्लिक करके इसको स्क्रीनशॉट कर देना है। स्क्रीनशॉट करने से दोस्तों ये आपका आई कार्ड कंट्रोल एस करने से ये आप सेव कर सकते हो। उसके बाद जब आपको ये सेव हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना, अगर आपको पीडीएफ बनाना है तो आज के फाइल ऑप्शन पे जाओगे, सेव एज पे क्लिक करोगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट, और याद कैसे आप पीडीएफ में भी इसको सेव कर सकते हो। बहुत ही आसान है आई कार्ड बनाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए टॉपिक पे बता के बनाता रहता